रिमांड करके जेल भेज दिए मेरे बच्चे को, एक ही बच्चा है मेरे को। और दोनों तरफ से आप लोग इंसाफ करिए, आप लोग से अपील है बस, असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब, बस मेरे बच्चे को भिजा दिए। और बार बार चैनलों में ये वो डालते जा रहा हूँ, हर दो तरफ से इंसाफ करिए आप लोग, इंसाफ की उम्मीद है आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद इब्राहिम की वालिदा बात कर रही हूँ, और जो है ना तमाम जो है ना सबसे गुजारिश है कि ये जो सोशल मीडिया में जो आमिर बोल के है, जो आमिर जो ये सनसनी जो मीडिया में जो है ना जो अफवाह फैला रहे हैं, जो न्यूज़ा फैला रही, गलत न्यूज़ा फैला रही, इन तमाम न्यूज़ों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। और जो है ना ये बच्चे को हमारे मोहम्मद इब्राहिम को ये जो आमिर है ना, ये जो आमिर है इन्हों पूरे तमाम गलत निज़ाम फैला रही, इन्हों तमाम निज़ाम गलत फैला रहे, और जो है ना तमाम जो है ना इसमें न्यूज़ चैनलों पे बोल रहे हैं, हर न्यूज़ चैनल पे अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। कभी बोल रहे हैं फेरोज़ के दोस्त है बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं उनके भांजे के दोस्त है बोल रहे हैं, और जो है ना गलत इनके न्यूज़ा हैं, इनके न्यूज़ चैनल, इनकी न्यूज़ पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। मेरे बच्चे को वहाँ पर बुलाए, मेरे बच्चे को पैसे देना था, मोहम्मद इब्राहिम को वहाँ पर घर पे बुलाए, बुला के जो है ना पैसे देना था, बोल के बातचीत करे, बातचीत करके उनके वालदा उठा के मार दिए, उनके मामू उठा के मार दिए। उनका कहना है कि आपका जो लड़का है उनके घर पर जाकर मोबाइल लिया जबरदस्ती। नहीं 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 चमन बाजार चमन के पास गया, वहाँ पर झगड़ा स्टार्ट हुआ। नहीं 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 पहला बयान था। नहीं नहीं ये सब झूठ है, ये जो भी आमिर बोल रही हूँ सब झूठे बातें हैं, झूठी न्यूज़ है। जो है ना बच्चे को बुलाया गया, फ्री प्लान साजिश करके जो है ना मेरे बच्चे को बुलाए, बुला के जो है ना घर पे बुला के उनकी वालदा, उनका मामू, वो मुखीद भांजा, तीन चार जने मिलके खातिलाना हमला करे और बच्चे का पूरा सर फोड़ दिए, खून से तरबतर हो गया सर से कदम तक बच्चा, जो है ना मार के जो है सो बच्चे को जब कंप्लेंट लिखाने जा रहा था, मादाना पेट वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए हमारे को, और रास्ते में क्या हुआ फिर से अटैक करे बच्चे को, क्या है उन्हें अपना प्रोटेक्शन करा, और आईएस सदन वाले भी हमको जो है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए, जो है ना बच्चे को इधर से उधर उधर से उधर फिराए, गए ज़रूरी, और जो है ना अवेसी को लेके गए, फिर अवेसी से जो है ना उस्मानिया लेके गए, उस्मानिया से जो है ना फिर जो है सो रिमाइंड कर दिए बच्चे को, उसी हालत में रिमाइंड कर दिए, ना जाने बच्चे की कैसी हालत है। और जो है ना जो ये मुखीद है, असल इब्राहिम के दोस्त मुखीद है, कोई फेरोज एरोज दोस्त नहीं है, सब गलत बयानी है, ये आमिरुद्दीन की जो भी आमिर है इनकी गलत बयानी है, और जो है ना ये मुखीद दोस्त है, उन मायरा ने मायना रहे बोल के हमारे बच्चे के ऊपर कई कैसा डाल दिए, कई झगड़े की वजह क्या थी? झगड़े की वजह जो है ना मुखीद पैसे देना था, तीन चार महीने से पैसे नहीं दे रहे थे, तीन चार महीने से पैसे, मुखीद इब्राहिम के दोस्त थे, पैसे नहीं दे रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, ना फ़ोन रिसीव कर रहे थे, तो घर पे हम यहाँ देंगे देंगे बोल के प्री प्लान और जो है ना साजिश करके घर पे बुला के बच्चे को ये हमला, पहले वो लोग अटैक करे, वो लोग अटैक करके जो है ना बच्चा उसके बाद अपनी प्रोटेक्शन करा, ये सब गलत बातें बोल रहे हूँ। और उनका भांजा जो है ना मुखीद एक नंबर का शोर है और एक नंबर का गंजटी है उन्हें, समझे आप, और कोई फेरोज अरज नाम के कोई नहीं है। हम सीधा बच्चा मेरे को इतला नहीं करा, बच्चा सीधा मादाना पेट को गया, मादाना पेट वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए, आई एस सदन को गया ना आई एस सदन वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए, मैं जहाँ तक हो सके जाऊँगी और बराबर इन्वेस्टिगेशन करूँगी इस केस की। आखिरी सवाल ये था कि उन लोग का ये भी इल्ज़ाम था कि आपके लड़का जो है हथियारों से उनके ऊपर वार किया था। नहीं 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 ये सब गलत बात है, बच्चा जब मार खाया, मार खा के दो घंटे फिरा बच्चा, हमको इतला नहीं थी उस बात की, तमाम उनके दोस्तों वगैरह बोले, इधर से उधर उधर से उधर बच्चा फिर रहा था और गया, जाने के बाद फिर से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, अटैक करने की कोशिश करो तो उन्होंने अपना प्रोटेक्शन करे, मतलब उनके ऊपर जो अटैक करे वो सेल्फ डिफेंस में करे, सेल्फ डिफेंस में करे उन्होंने।